सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। कल 26 जनवरी के दिन देश के अन्नदाताओं ने, किसान संगठनों ने दिल्ली के अंदर प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता करके, पुलिस प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत करके अपनी ट्रैक्टर रैली का, तिरंगा रैली का रूट तय किया और उसके बाद कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसको भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से आंदोलन में पहली बार हिंसा देखने को मिली। लाल किले पर कुछ लोग चढ़ गए और वहां मारपीट का दृश्य देखने को मिला। आम आदमी पार्टी किसी भी प्रकार का आंदोलन हो उसमें हिंसा का समर्थन हम लोग नहीं करते, लेकिन कल हिंसा का शिकार बड़े पैमाने पर किसान भी हुए, यह भी एक पक्ष है। एक किसान कल आंदोलन में और शहीद हुए, यह भी एक पक्ष है। जो लोग लाल किले तक पहुंचे वो कैसे पहुंचे, उनकी तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं, आंदोलन में हैं, तो उनको कहां से किससे संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि किसान संगठनों ने लाल किले की कार्रवाई को गलत बताया है और उसकी आलोचना की है। साफ तौर पे कहा है कि हम इस प्रकार के किसी भी घटना का समर्थन नहीं करते हैं। ये सारे किसान संगठनों ने एक स्वर में कहा। तो फिर कौन से लोग थे ये और कैसे ये आंदोलन के अंदर घुसे, इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी हिंदुस्तान का अन्नदाता और एक एक इंसान पूछ रहा है कि पिछले 2.5 महीने से कान में रुई डालकर और आंख पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की तरह भारत की सरकार, मोदी सरकार किसानों के मांगों पर चुप क्यों है? किसानों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, उनके ऊपर कड़कते ठंड में पानी की बौछारें की जाती हैं, 75-75 साल के बूढ़े किसानों की आंखें फोड़ दी जाती हैं। पिछले 2.5 महीने के अंदर 125 किसान शहीद हो जाते हैं, उनकी जान चली जाती है इस आंदोलन में, उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं, उनकी तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं, और 2.5 महीने से वो एक ही गुहार लगा रहे हैं, एक ही निवेदन कर रहे हैं, एक ही विनती कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कृपा करके ये 3 काला कानून वापस ले लीजिए। देश की पार्लियामेंट में भी हम लोगों ने अनुरोध किया, विनती की, प्रार्थना की, और देश का अन्नदाता, देश का किसान पिछले 2.5 महीने से यही बात गिड़गिड़ाकर, गुहार लगाकर, रोकर, बिलखकर, तमाम कठिनाइयां और दुश्वारियां झेलकर भी कह रहा है कि ये 3 काला कानून वापस ले लीजिए। यानी आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके लिए हिंदुस्तान की धृतराष्ट्र सरकार, हिंदुस्तान की मोदी सरकार, हिंदुस्तान की वो किसान विरोधी सरकार जिसने किसानों के मुद्दे पर, अन्नदाताओं के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है आज की तमाम परिस्थितियों के लिए। और इसलिए अभी भी मैं कहना चाहता हूं
कि प्रधानमंत्री जी अपनी जिद छोड़िए, अहंकार छोड़िए, इसको ईगो का क्लैश मत बनाइए। देश का अन्नदाता आपसे इन तीन किसान बिलों को वापस करने की मांग कर रहा है, आप उनकी मांग मान लीजिए और ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए। जहां तक आम आदमी पार्टी का प्रश्न है, हम लोगों ने संसद से सड़क तक इस काले कानून का विरोध किया है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा किसानों का साथ दिया है और एक एक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो किसान आंदोलन के साथ खड़े हों। 29 तारीख से संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है और उस संसद के सत्र के दौरान भी किसानों की आवाज आम आदमी पार्टी की ओर से संसद में गूंजेगी, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और आज की पत्रकार वार्ता में कुछ महत्वपूर्ण लोग आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल भी हो रहे हैं, मैं एक एक करके उनका परिचय भी कराऊंगा और उनको पार्टी में शामिल भी कराऊंगा। गृह सचिव जी, उनको बुलाइए, अमिताभ जी को बुलाइए। हाँ, आप इधर आ जाइए अमिताभ जी। मैं चला जाऊं? अरे उनको जगह तो दीजिए, एक कुर्सी और ले। आज हमारे साथ कई महत्वपूर्ण साथी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है। हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव गृह आदरणीय अमिताभ त्रिपाठी जी, जो लगभग 34 वर्षों तक उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा का हिस्सा रहे और अगस्त माह में जो सेवानिवृत्त हुए 2020 में, विशेष सचिव गृह के पद से आज अमिताभ जी आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। अमिताभ त्रिपाठी जी, मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ साथ हमारे बीच में बहुत ही होनहार पत्रकार और लगातार युवाओं के मुद्दे पर और जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं उस पर प्रखरता के साथ कई टीवी चैनल्स, कई न्यूज चैनल्स के साथ जुड़कर एक पत्रकार के तौर पे भी और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी उनके मुद्दे को उठाती रही हैं। बहुत ही शिक्षित और योग्य हुदा जारीवाला जी, जो आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रही हैं, उनको भी मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैप्टन अमित चौहान जी, जो मर्चेंट नेवी में कैप्टन के पद पर कार्यरत रहे, वो भी आज, जिनका ताल्लुक आगरा जिले से है, वो भी आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सब का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इसके साथ अभी वो दो दो मिनट आपसे अपनी बातें रखेंगे। मैं एक बार पहले ज्वाइनिंग की औपचारिकता पूरी कर दूं, फिर वो भी आपसे मुखातिब।
मैं निवेदन करूंगा अमिताभ त्रिपाठी जी से, जो गृह सचिव रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आम आदमी पार्टी से वो क्यों जुड़ने का फैसला लेते हैं या क्या उनका उनके पीछे मंशा है, काफ़ी लंबी चर्चा इनसे हुई। दिल्ली के मॉडल पे, शिक्षा पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, चिकित्सा पे जो काम कर रहे हैं, तो वो सारी बातें आपके सामने रखें। इधर नहीं, इधर आ जाइए, वो उनके लिए। प्रिय बंधुवर, प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष जो उड़ीसा और राजस्थान के भी प्रभारी हैं और जिनके ऊपर पार्टी हाईकमान ने इतना ट्रस्ट किया है और उनके कामों और उनके कृतित्व और व्यक्तित्व की वजह से उन्हें 3 प्रदेशों का प्रभारी बनाया गया है। हम लोग भी मीडिया में लगातार देख रहे हैं, उनके कवरेज भी देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कितना काम उन्होंने किया है, जमीन पर कितना काम किया है। पार्टी हाईकमान और आम आदमी पार्टी जो सर भी अन्ना मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और पार्टी हाईकमान का जो निर्देश और डायरेक्शंस रहा है उसे मैं पूर्णतया पूरी तरह से पहले से प्रभावित रहा हूं और अपने ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के बीच भी मैं कभी ये सोचता था कि शायद ऐसा करना चाहिए कि हमें वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के या कुछ करके पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कर सका किन्हीं कारणों से। अब सेवा में तत्पर हूँ और निश्चित तौर से जमीनी काम करेंगे, उसमें आपका नेतृत्व, पार्टी हाईकमान का नेतृत्व जो भी है उसका निर्देशों का पालन करेंगे, जो भी कार्य सौंपा जाएगा जमीन पर उतारने की कोशिश करेंगे और निरंतर पार्टी को समृद्ध करेंगे, आम जनता के बीच जाएंगे, आम जनता की समस्याओं को सुनेंगे और पार्टी के निर्देशों का पालन करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जी। आपने जो भी सोच के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है जी, क्या आप संगठन के लिए काम करने के बारे में सोच रहे हैं या आप चुनाव में भविष्य में लड़ेंगे? मेरी सर से विधिवत बात हुई थी, कल परसों में बात हुई थी। पार्टी हाईकमान माननीय प्रदेश प्रभारी जी जो निर्देश देंगे उस पर हम तत्परता से पूरी तरह से चलेंगे, पार्टी को स्ट्रेंथन करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता की समस्याओं को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरी तरह से जुड़े रहें। थैंक यू। सुधा जी। थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। इज इट ऑडिबल? आप सबकी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतनी सम्मान के साथ, इतनी इज्जत के साथ मेरा इस्तकबाल किया है। सबसे बड़ा शुक्रिया अदा तो मैं श्री संजय सिंह जी का करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना पॉलिटिकल करियर, ये एक राजनीतिक सफ़र की इब्तिदा कर सकूँ। बिल्कुल नई हूँ, बहुत काम लगेगा इसमें, बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन यकीनन ऐसा नहीं है कि मौजूदा हालात से रूबरू नहीं हूँ। आप ही की तरह मैं भी मीडिया फ्रेटर्निटी, मीडिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा ताल्लुक सऊदी अरेबिया और दुबई से रहा है, ज़िंदगी के काफ़ी साल वहीं गुजारे हैं, वहीं पे कई सारी जॉब्स करी है। BBC लंदन की ट्रेंड हूँ मैं, एंकरिंग का, न्यूज़ प्रेजेंटेशन का और मुख्तलिफ कहीं मीडिया से तमाम जुड़ी हुई चीज़ों में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है। उसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के जो इश्यूज़ होते थे स्पेशली सऊदी अरेबिया में, जैसा कि आप लोग समझते हैं कि वहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस हैं, वहाँ पे अभी भी मोनार्की है, हमारी तरह डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहाँ पे वहाँ की मिनिस्ट्रीज़ के साथ, वहाँ की जो प्रिंस हैं, इनफैक्ट जो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया है वहाँ की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और उम्मीद यही है, इरादा यही है कि यहाँ पे UP में आप लोगों के बीच जब रहूँगी तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों की महिलाओं की बहुत सारी समस्याएँ हैं, उसके अलावा भी मज़ीद और मसले हैं तालीम को लेके, मोहल्ला क्लिनिक्स का जैसे जो एक मॉडल है दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने किया है, कुछ उसी तरह का मॉडल हम लोग UP में रेप्लिकेट करना चाहते हैं। तो हेल्थ को लेके बहुत इश्यूज़ है, सैनिटेशन को लेके बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम करना चाहती हूँ मैं, और इसके अलावा मज़ीद और मसले हैं एज एन वेन आई बी अ टीम प्लेयर इन द पार्टी एंड जिस तरह से पार्टी का मुझे आदेश रहेगा, मुझे डायरेक्शंस दिए जाएंगे, उस हिसाब से मैं इंशाल्लाह अपना मुकम्मल तौर पे अपना योगदान दूंगी।
और इत्तेफाक से यूपी से मेरा एक पुराना ताल्लुक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के जो पूर्व राज्यपाल यहाँ के एक्स गवर्नर डॉक्टर अजीज़ कुरैशी की मैं सगी भांजी हूँ। तीन राज्यों के वो राज्यपाल रह चुके हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिज़ोरम। तो मेरा ताल्लुक रहा है यूपी में, लखनऊ में इनफैक्ट कुछ अरसे रही हूँ। तो यहाँ पे मीडिया को उस वक्त भी समझा था, मैंने इंटरेक्शन किया था और अब तो बिल्कुल आप लोगों के सामने रूबरू होने का मौका मिला है। आई कंसिडर माई सेल्फ हाईली प्रिवलेज एंड आई एम रियली हम्बल्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर इन प्रेजेंट ऑफ एंड प्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू एंड रियली 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 लुकिंग फॉरवर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंड मैग्नानिमस टीम ऑफ द आम आदमी पार्टी एंड बी अ पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश आम आदमी टीम। एंड पूरा यकीन है मुझे कि आप लोग की तमाम दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ आप लोग मेरा सहयोग करेंगे, मेरे साथियों का और तमाम पार्टी में हम सबको आपकी मदद, आपकी सहायता चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। इसी तरीके से हम यूपी को, उत्तर प्रदेश को एक उन्नति प्रदेश, उल्लास प्रदेश, उत्तम प्रदेश बना सकते हैं। और विदा लेने से पहले एक इकबाल साहब के शेर के साथ मैं विदा लेती हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता, अर्ज़ किया है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैह करना, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। कैप्टन अमित चौहान साहब, मेरे सामने बैठे हुए पत्रकार बंधुओं, आप सबको नमस्कार करता हूँ। आदरणीय संजय भैया जी, सवाजी भाई, फैसल वासी जी, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं, मेरा नाम कैप्टन अमित चौहान है और मैंने पिछले 21 वर्षों से मर्चेंट नेवी में काम किया है। दिसंबर 2020 में मैंने जॉब को छोड़ा। मैं आम आदमी पार्टी की विचारधारा से बहुत पहले से प्रभावित रहा हूँ। 2012 से आंदोलन के टाइम कई बार मैं गया भी दिल्ली, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं पूरा सक्रिय नहीं हो पाया था उस पर। तो अभी जॉब क्विट करने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और उनकी विचारधाराओं को आगे बढ़ाऊँगा। साथ ही साथ जो मेरा मुख्य कारण है राजनीति में आने का, वो है जब भी मैं अपने लोगों के साथ में बैठता हूँ, अपने दोस्तों यारों के साथ में जब भी बैठता हूँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब उनसे पूछता हूँ कि आप लोग राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते, तो सिर्फ एक ही सवाल मिलता है भाई कि राजनीति गंदी है। तो अगर राजनीति गंदी है तो हम लोगों का ये दायित्व है कि उस गंदगी को साफ करें, कि जब तक अच्छे लोग उसमें नहीं आएंगे तब तक हम उस गंदगी को कैसे साफ करेंगे। तो हम जैसे लोग उसमें आए, उस गंदगी को साफ करें, तभी ये पार्टी, ये देश सारा आगे बढ़ पाएगा। अगर गंदगी है हमारे घर में, जैसे हमारा घर गंदा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस घर को साफ करें, उसी तरह का देश में गंदगी है। देश में गंदगी किन कारणों की वजह से है, वो कारण है कि राजनीति गंदी। आप बोल तो रहे हो लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आप सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो सभी नौजवान भाइयों से हमारा ये कहना है, अगर हमें कुछ चीज़ गलत लगती है तो हम उस चीज़ के लिए आगे बढ़ें, उसको सुधारने की कोशिश करें। इसी विचारधारा के कारण मैं राजनीति में आना चाहता हूं और आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहता हूं। धन्यवाद।